से बड़ी मेरी कोई खुशी, मुझे देखो जो हंस कर तुम। इधर देखो ये जो वीडियो है ये उन लड़कियों के लिए जो कहती है ना कि मर्द सारे कुत्ते होते हैं, तो ये कुत्ता बेचारा बारिश में अपनी बीवी के लिए अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए निकला हुआ है। कदर करें अपने बाप की अपने शौहर की, मर्द बनना आसान नहीं है। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू डब्बा पैक व्लॉग। आज आपका भाई हाजिर है फिर से आप लोगों के लिए, लेकिन आज है पापा का ऑपरेशन, तो मैं लेके जा रहा हूँ पापा को, क्योंकि आप लोगों ने दुआएं इतनी करी थी कि डेट आ गई है ऑपरेशन की। तो बिना देर किए अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यार पहले तो वो कर लो, क्योंकि मेहनत करने का फिर फायदा नहीं है। सही है, इतनी मेहनत करता हूँ। चलो अब चलते हैं हॉस्पिटल, पापा रेडी बैठे हुए हैं, मैं भी रेडी हो रहा हूँ और मिलते हैं आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में। चलो फाइनली पापा को लेके मैं हॉस्पिटल आ गया था और पापा थोड़े चुप चुप से लग रहे थे, और पापा को चुप देखा तो मेरा दिल उदास हो गया। गाइज चश्मा ने लगा लिया इस वजह से क्योंकि आंखें बहुत सूजी हुई है मेरी ना। पापा बाहर अंदर चले गए हॉस्पिटल के, अब मैं भी अंदर जा रहा हूँ। सुबह सुबह का वक्त है इसलिए जो है थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। भाई सलाम अलैकुम। पार्किंग वाले भाई ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कमाना चाहिए, बहुत खुशी हुई इनको देख के सुबह सुबह। अब चलते हैं अंदर। ऑपरेशन के लिए पापा को लेके जाया जा रहा था, फिर पापा की आंख में कुछ ड्रॉप्स डली, ये देख के मेरा दिल उस वक्त बहुत उदास हो गया था और मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह पाक सब कुछ ठीक हो जाए। 2 hours later पूरे 2 घंटे बाद मेरे पापा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ चुके थे, लेकिन पापा उस वक्त बेहोश थे इसीलिए मैं पापा से कोई बात नहीं कर सका और ना मेरी हिम्मत हो रही थी, क्योंकि मैं अपने पापा से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। गाइज अब मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि पापा का ऑपरेशन हो चुका है और मैं सो गया था, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे तक जाग रहा था, फिर पापा को नाश्ता करवाया, फिर मैं 8 बजे सोया, फिर मैं 10 बजे उठा, फिर पापा को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, और फिर जब ऑपरेशन के लिए पापा गए तो उस वक्त फिर मैं सो गया था, क्योंकि टेंशन भी हो रही थी कि क्या होगा, क्योंकि इसी हॉस्पिटल से 3 बार पेमेंट जो है वो रिटर्न हो गई थी कि आज ऑपरेशन नहीं हो सकता, बाद में करेंगे, क्योंकि पापा की ना एक ही आँख है, तो डॉक्टर ना बड़ा परेशान हो रहे थे उस पे के यार। और 3 हॉस्पिटल वाले तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मना किया था, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, मना उन्होंने नहीं किया था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन का हम कुछ कह नहीं सकते कि आपके अब्बू की आंख ठीक होगी या नहीं होगी, तो फिर मैंने वहाँ पे कराना मुनासिब नहीं समझा, कराची के बहुत बड़े हॉस्पिटल थे वो, क्योंकि डॉक्टर का काम है आपको मुतमईन करना। ये वाहिद डॉक्टर थे, इन्होंने मुतमईन मुझे किया कि नहीं आपके पापा का ऑपरेशन हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। और अभी भी पापा का ऑपरेशन हुआ, मैंने उनसे पूछा कैसा हुआ है, क्योंकि पापा भी बेहोश हैं, पापा 4 घंटे बाद होश में आएंगे और 1 दिन तक पापा हॉस्पिटल में रहेंगे। मम्मी तो मेरी हॉस्पिटल में, अभी मैं घर जा रहा हूँ भाभी और बच्चों को लेने के लिए, और घर पे जाके मैं फ्रेश भी होता हूँ। आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं कैसी हो गई यार, बाप की मोहब्बत ही ऐसी होती है। मैं अपने पापा से बड़ा प्यार करता हूँ, अब उनकी आँख ठीक हो गई ना, अब वो फिर से जवान हो जाएंगे, आप लोग देखना। अल्लाह पाक उनको बस खुश रखे, हमेशा सलामत रखे, और आप लोग भी अपने माँ बाप से प्यार तो करते होंगे, और बस प्यार करें माँ बाप से, यही जिंदगी है। वापस आ गया हूँ घर पे, आके सो गया था मैं, लेकिन डॉक्टर का फोन आया कि आप अपने पापा को आके ले जाएं। चलो भाई चले यार, जल्दी से लेकर आए पापा को। अच्छा अभी डॉक्टर ने बताया कि आप जब पट्टी हटी है ना तो एक बबल आया हुआ है आंखों के ऊपर। अच्छा, बोल रहे इंशाल्लाह कल दोपहर तक सब ठीक हो जाएगा। मतलब सही है ना वो? हाँ सब सही है, बस अभी जा रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइट क्यों जल रही है यार? ये वैसी जल रही है गेट खुले में ना, वायरिंग शॉर्ट तो नहीं हो गई? नहीं वायरिंग का काम तो नहीं था गाड़ी। भाई अब ये बताओ लिफ्ट से जाना है या सीढ़ियों से जाना है? नहीं अभी तो जवान ही सीढ़ियों से जाएंगे। चलो चलो सीढ़ियों से चलो भाई। गाइस मैं पापा के रूम के बाहर आ गया हूँ, बिल्कुल रूम के बाहर खड़ा हुआ हूँ पापा के, और चले अंदर। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे है बेटा? मैं ठीक। कैसे है पापा, आँख ठीक हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया बेटा। सही नजर आ रहा है आपको? ऐसा ऐसा अल्लाह का करम हो गया, सब अल्लाह की रहमत हो गई। तो ये अभी पट्टी वगैरह पूरी खुल गई है? अभी खुल गई, खुल गई। तो अभी चलें घर चलें? नहीं अभी नहीं, अभी रहूंगा मैं। डॉक्टर क्या कह रहा है? कल दोपहर में डॉक्टर ने देखना है, फिर उसके बाद छुट्टी है। अच्छा ये मेरे जितने भी लोग हैं ना जो मेरा चैनल देखते हैं, सब आपके बच्चों की तरह हैं, इन लोगों ने आपके लिए बहुत दुआ करी थी कि पापा की आँख ठीक हो जाए, मैंने कहा था
तो आप क्या कहना चाहते हैं सबको? अल्लाह इन बच्चों को सेहत दे और शादियां भी हो जाए इनकी। शादियां अगर छोटे हैं तो शादियां ना हो, जो बड़े हैं उनकी शादियां हो जाए। और बाकी मेरी दुआएं सबके लिए जिन्होंने मुझे देखा। गाइस पापा को ऑपरेशन हो गया है और पापा एक दिन तक हॉस्पिटल में ही रहेंगे और कल पापा को फिर हम लोग साथ लेके जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो अल्लाह ही है जिसने शफा दी, आज देख रहा हूँ मैं, उम्मीद नहीं थी मुझे। खाना वाना खा रहे पापा? अभी नहीं बेटा, कल से शुरू करेंगे। तो अभी क्या खाया सुबह से? अभी बेटा वो बिस्कुट और चाय। अच्छा, वो भी कम मिकदार में। अभी पापा नजर कैसा आ रहा है? बिल्कुल क्रिस्टल। ये देखो बिल्कुल क्लियर हर चीज, ऐसा लग रहा है बचपन की आंख है मेरी। अच्छा पापा ने हारिस को देखा था 2 साल पहले, तो हारिस की दाढ़ी नहीं थी जब, अब इसकी दाढ़ी आ गई है जब मैं छोटा था। अब देखो ना, मैंने तुम्हें कहा था, तुमने कहा डब्ल्यू है, मैंने कहा एम है। कहा है डब्ल्यू और एम? ये देखो ऊपर ना। अच्छा ये पापा ने ये भी पढ़ लिया, डब्ल्यू आ रहा है ऐसे में, मैं देखो साफ नजर आ रहा है। अच्छा चले पापा ये बताएं, ये जो स्प्लिट लगा हुआ है ये कौन सी कंपनी का है? ये हायर कंपनी। ठीक हो गई आंख, ठीक हो गई पापा की। गाइस पापा ने पढ़ लिया है हायर, मतलब पापा की आंख बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और आज दिल बहुत खुश है। और कल पापा आप, मैं मिठाई बांटूंगा सबको, आप मुझे मना नहीं करेंगे? नहीं नहीं करूंगा। बस कल मिठाई हो गया, कल जो रास्ते में मिलेगा उस बंदे को मिठाई खिलाएंगे, मिठाई खिलाते हुए जाएंगे सब। बस सही है, आप लोग मेहनत बहुत करते हैं, अल्लाह आप लोगों को और तरक्की दे। इससे बड़ी मेरी कोई खुशी, मुझे देखो जो हंस कर तुमको कुछ भी होने ना दूंगा, ये लिख लो दिल पर तुम। The next day. और ऑपरेशन पापा का हो चुका है और यहाँ पे बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ओके गाइस अब हम घर जा रहे हैं और बारिश जो है वो बहुत तेज हो गई है। अच्छा चश्मा नहीं दोगे कोई? नहीं, तुम नहीं लगा के रखोगे? अब तो बिना चश्मे के घूमे ना। चले, चले। आज तो मौसम भी खुश है पापा, लोग लड़के बहुत स्लिप होंगे अभी बाइकों पे। गाइस पापा घर पे हैं, आराम कर रहे हैं और मैं आ गया हूँ आपकी भाभी के पास, क्योंकि आपकी भाभी को कुछ सामान लेना है तो उनको वहीं लेके जाना है और मैं उनका मिजाजी खुदा हूँ, जाहिर सी बात है शौहर हूँ तो मुझे ही दिलाना पड़ेगा। तो अब थोड़ी सी देर में वो आ रही हैं और उनको मैं शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ और फिर मैं वापस घर जाता हूँ पापा के पास, क्योंकि पापा के लिए भी कुछ टैबलेट्स वगैरह लेनी है डॉक्टर साहब ने कहा है। तो बस जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं यार, एक मर्द होना ना बहुत बड़ी बात है, सबको लेके चलना पड़ता है। अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। एक मिनट रुकिए, हमारे दोस्त आ गए। कौन आ गए? कौन आ गए? क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। चलो बेटा अपना ख्याल रखना, सही है व्लॉग में डालूं आप लोगों को? हाँ। बस चलो सही है। बच्चे बहुत प्यार करने लगे हैं आपके भाई से और एक खुशी होती है ना, क्योंकि मासूम बच्चे हैं ये और वो आ गई हैं। ओह नो। कैसी हो तुम लोग? तंग तो नहीं करते इनको? ख्याल रखना इनका, सही है? सही है बिस्मा? चलो अल्लाह हाफिज़। बच्चों को सही कहते हैं कि फरिश्ते दिख जाते हैं। कौन? मैं? तुम? मैं और कौन? अच्छा आप बताओ ना कहाँ जाना है? सुपरमार्केट। सुपरमैन को तुम सुपरमार्केट लेके जा रही हो? हैं सुबह से निकला हुआ तुम्हें पता है मैं 9 बजे से। क्यों 9 बजे से? क्यों? पापा को ऑपरेशन था ना आज। अच्छा हाँ, कैसा हुआ? बेहतरीन ऑप्शन हुआ माशाल्लाह से यार, ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऑपरेशन हुआ है बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। कब आएगी सुपरमार्केट यार? आ जाएगी। अच्छा मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम ना ऐसे रहा करो ऐसे, तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज, इधर देखो मेरी तरफ। क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। ऐसी रहा करो तुम, मेकअप वगैरह नहीं किया करो। लड़कियों को मेकअप अच्छा लगता है इसलिए करो। मैं मेकअप ज्यादा कहाँ करती हूँ, लिपस्टिक डार्क लगाती हूँ तो वो एनहांस हो जाता है। नहीं लेकिन तुम बिना मेकअप के रहा करो, लिपस्टिक भी नहीं लगाया करो, बस ऐसी रहा करो, सादगी में रहा करो, इधर देखो। गाना नहीं तो मैं स्टार्ट में लगाऊंगा। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा भूख लग रही है, पहले कुछ खाते हैं, सही है? डन। सोचो वीडियो के स्टार्ट में ये क्लिप लगेगा। नहीं लगाना, मजाक में क्या था यार। गाइस बारिश हो रही है बहुत तेज, ये आप देख सकते हैं और हमने जाना है इस वक्त मॉल। बिस्मा तुमने लेना क्या है वहाँ से? ग्रोसरी और कुछ मेकअप लेना। मेकअप की तुम्हें क्या जरूरत है यार, तुम बिना मेकअप के ज्यादा प्यारी लगती हो। नहीं फिर भी खत्म हो गया ना, तो कभी कोई शादी या फॉर्मल ओकेजंस के लिए। शैम्पू कौन सा यूज करती हो तुम? वो तो हेयर टेक्सचर पे डिपेंड करता है ना कि अभी मेरा कैसा हो रहा है। हेयर टेक्सचर का तो मैं भी करता हूँ यूज, उसका तो काफी अच्छा है। नहीं नहीं
मतलब मेरे बालों का टेक्सचर अभी कैसा हो रहा है, ड्राई हो रहा है, ऑयली हो रहा है। बस हवा निकल गई। मुझे लग रहा है हम लोग फंस जाएंगे, बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर मैं तुम्हें कल ले जाऊँ प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? रोज कल कल कर रहे हो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कल मैं ले जाऊंगा, प्रॉमिस। आज असल में पापा का ऑपरेशन था, मैं इस वजह से लेट हो गया, वरना मैं तुम्हें लेके चल लेता। मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा, बारिश बहुत तेज हो गई है, हम लोग फंस जाएंगे आगे। देखो आगे, खुद देखो। ठीक है। हमारी यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम जिद नहीं करते। जैसा मौसम हो रहा है ना बिस्मा, यकीन करो कॉफी पीने का मजा ही अलग आ जाएगा। चलो आओ कॉफी पीते। ये चीज तुम्हें कैसी लगती है मेरी, जो जल्दी से ऐसे टक 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 करके सब बंद करता हूँ मैं? मुझे अच्छी लगती है ना, नया है ये। ओह माय गॉड, माय ओपा, ये तो प्ले ही नहीं। चल आ जाओ। तुम कॉफी क्यों नहीं पी रही? मेरे शेक का मूड हो रहा था तो मैंने शेक लिया। तुम्हें मैं एक बात समझाऊं? नहीं। सुपरमार्केट में भी हम लोग जो है वो आ गए हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को कुछ सामान लेना था जो कि वो ले रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपने लिए क्या लिया है। ये देखिए। आज के लिए बहुत है यार, आज ये सब खा जाना। अच्छा ना, अच्छा आओ। नहीं करते यहाँ पे, ऐसे इज्जत है मेरी, बहुत एक नाम बनाया मैंने अपना। चल झूठा। बारिश तो बहुत तेज हो गई, गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम यही खड़े रहो। ये लो सामान पकड़ो। गाइस बारिश बहुत तेज हो गई है और मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस, बहुत मजा आ रहा है, नहाने का दिल कर रहा है, लेकिन मेरी बेगम मेरे साथ है, उसको घर छोड़ता हूँ, फिर हारिस को उठाता हूँ और बारिश में नहाऊंगा, मजा आ जाएगा आज। क्या मौसम हो रहा है गाइस, बहुत मजा आएगा, बस घर जाते ही नहाऊंगा। लेकिन इन बातों में मैं ये भूल गया, बाहर बारिश हो रही है, मेरी वाइफ वहीं खड़ी हुई है बेचारी बारिश में। मैं जा रहा हूँ गाइस, शायद मैंने छोटी उम्र में शादी कर ली इसलिए मुझे जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा, अब मुझे चलना चाहिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओह नो, सामान रखो, सारा रखो पीछे। गाइस ये पहली बारिश है शादी होने के बाद मेरी, और जल्दी आओ बैठो अंदर। अच्छा बारिश का पानी तुम्हारे बालों में ऐसा लगा है, ऐसा लग रहा है जुए है सारी। बात तो सही है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहने। मौसम हो रहा है यार विस्मा, चलो यार सी व्यू चलते हैं अभी सी साइड पे। नहीं, ये तो ऐसा हो गया जैसे इंडियन ड्रामों में होता था, लड़का लड़की की शादी हुई उसके बाद बारिश हो गई। गाइस बारिश बहुत तेज हो रही है, और ऐसे मौसम में अगर पकोड़े हो, पकोड़े बनाने आते हैं तुम्हें? यस। कब बना के खिलाओगी अपने हस्बैंड को? रुखसती हो जाएगी तो रुखसती से पहले के, अभी मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अगर तुम्हारी मुझसे रुखसती नहीं हुई तो तुम बनाओ अपने घर में खाना और बोले मियाँ जी आप आगे खाना लेके जाए। मैं आपको जो चाहे बना के दे सकती हूँ, मुझे सब बनाना आता है, बट पकौड़े जो है वो गरम गरम अच्छे लगते हैं। अगर मैं घर से यहाँ तक भेजूंगी तो उसके अंदर वो ठंडे हो जाएंगे, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट टू यू दैट यू हैव। हां बस सही है, बस डैड 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 आई एम योर चिल्ड्रन डैड। गाइस अब मैं आपकी भाभी को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और जो है फिर मैं जाता हूँ घर, और जाके मैंने फिर बारिश में नहाना है, हारिस को मैं उठाऊंगा, अल्लाह करे कि हारिस घर पे ही हो। कोई जरूरत नहीं है, बीमार हो जाओगे, इज्जत से जाके घर पे बैठो और सो जाओ। यार मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे देखना चाहते हैं बारिश में नहाता हुआ, तो मुझे मत रोको। सब्सक्राइबर्स ये भी चाहते कि तुम डेली व्लॉग करो, लेकिन तुम नहीं करते हो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कॉमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा कॉमेंट्स आपकी भाभी भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ सारे कॉमेंट्स, इसलिए कॉमेंट्स है कि तुम बीमार ना हो तो इसलिए घर चले जाओ। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है मैं राजपूत हूँ, है वो राजपूत। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। अच्छा मैं वैसे हूँ एक नंबर का आवारा है। नहीं ये तो तुमने मुझे कैद कर लिया शादी करके। तो अरे बच्चे आ गए, अरे बारिश बहुत तेज हो रही है बेटा। बारिश कैसी हो रही है? अरे बारिश में फैंस मिल रहे हैं, आई लव यू बेटा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बिग फैन, बिग फैन, लव यू फैन, लव यू टू।
बिग ब्रेन बच्चे बहुत पीछे बच्चे बहुत प्यार कर रहे हैं यार, और जो बारिश हो रही है ना, मैं भी बच्चा बन गया हूँ। अगर अभी तुम नहीं होती ना, मैं कसम से बच्चों के साथ नहाता जाके। अभी देखना फिर तेज होती बारिश, देखा ये देखना। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलो यार अब बस तुम जाओ और मैं जाके बाहर नहाऊं। ओके गाइस, आपकी भाभी को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। एक तो कराची में बारिश नहीं होती, होती है तो इतनी तेज हो जाती है कि हमारे गटर उबल जाते हैं। अब आप कल देखना, कल अजियत में रहेंगे हम लोग। अच्छा ससुर जी जो है ना, थोड़े चुप चुप थे, वो सोच रहे होंगे यार इसकी शादी हो गई है, ये इतना बड़ा है, अभी इसकी बर्थडे हुई है, 30 साल का हो गया है, उसके बावजूद बारिश हुई है तो ये लड़का इतना खुश है। वो सोच तो रहे होंगे कुछ के बचपन है यार इसके अंदर तो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान ना कभी बड़ा ना हो, पर ना वो बड़ा ही रह जाता है। हमेशा अपने अंदर बच्चा रखो। वो गाना था ना, दिल तो बच्चा है जी, तो थोड़ी सी देर में अभी आप मेरा बचपना देखने वाले हैं। बस मैं घर पहुँच रहा हूँ। हारिस को मैंने कॉल कर दिया, हारिस कह रहा है मुझे बुखार है। मैंने कहा भाई बुखार गया तेल लेने, तू चड्डा पहन, मैं आ रहा हूँ बारिश में नहाएंगे। तो गाइस बस थोड़ी सी देर और, बस फिर आपका भाई आपको नहाता हुआ नजर आएगा कपड़ों के साथ। बहुत पानी है गाइस, बहुत पानी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, बस गाड़ी बंद ना हो जाए, क्योंकि अगर गाड़ी बंद हुई तो गाइस मेरी बंद हो जाएगी। ये जो वीडियो है ये उन लड़कियों के लिए जो कहती है ना कि मर्द सारे कुत्ते होते हैं, तो ये कुत्ता बेचारा बारिश में अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, रोजी कमाने के लिए निकला हुआ है। कदर करें अपने बाप की, अपने शौहर की, मर्द बनना आसान नहीं है। बिस्मिल्ला। गाइस लग रहा है गाड़ी बंद हो जाएगी। गाइस लग रहा है गाड़ी की आवाज़ कम होती जा रही है। गाइस आपका भाई आ गया है और अब मैं गाड़ी जो है वो खड़ी कर रहा हूँ। बाइक पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, और हारिस को मैंने रेडी कर दिया था भाई पहले से ही। हारिस बारिश हो रही है और रुकना नहीं है, पहले भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। बिरयानी सही है क्या? बिरयानी, बिरयानी बारिश में, बिरयानी मजा आ जाएगा। लेकिन मिलेगी कहाँ भी? क्यों नहीं मिलेगी भाई, जोहर में रहते हैं, आ जाओ बैठो। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बिरयानी खाने के लिए बारिश के अंदर, और उसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे। आज आ जाएं आप लोग हमारे साथ, चल गाड़ी की चाबी लटकाएं। बिरयानी आ रही भाई, भाई गरम गरम है ना यार। अब ये बिरयानी यहाँ पे खाएं या बारिश में रख के खाएं यार, आप बताओ। मेरे ख्याल बारिश में खाते हैं एंड हो जाएगा, बाहर बारिश में बैठ के खा रहे हैं भाई। गाइस बिरयानी ले ली है और बारिश में बैठ के खाएंगे। ओए हारिस बोलो, हमें पागल तो नहीं समझ रहे भाई? पागल ही समझ रहे थे आपको, कुछ भी समझे हमें क्या? बेलची नागिन निकाली। गाइस आप लोग ये देखें, चारों तरफ चल रही है गाड़ियाँ, लोग बारिशों में फंसे हुए, तंग आए हुए। ऐसे में आपका भाई कर रहा है चिल, मतलब एंजॉय। तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिंदगी में बड़ी परेशानी है, परेशानियों को हैंडल करना सीखो और इसमें खुश रहो, क्योंकि अगर आप परेशानियों में परेशान हो गए तो वक्त से पहले मर जाओगे। ऊपर से बूंदे पड़ रही है और गरम गरम बिरयानी और मजा आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं आज ही पैदा हुआ। कसम से हारिस, बारिश में बिरयानी खाने का मजा ही कुछ और आ रहा है। कसम से मैं तुझे एक बात बताऊं, हम जब अंदर से बिरयानी लेकर आ रहे थे, वो जो मालिक है ना बिरयानी वाला, वो बोल रहे लड़के दोनों पागल लग रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है ना ये लड़के जिंदगी कैसी जी रहे हैं। जो बात है भाई, अगर दोस्ती करनी है ना हमसे, जौहर में रोज घुमा करो, हम लोग भी घूमते कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। चाय आ गई है भाई, चाय पी के दिखाओ ऑडियंस को। आज फुल छपरी जिंदगी चल रही है। मार दिया भाई, फायर हो गया फायर। खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, बेशक वो भूखा उठाता तो है लेकिन सुलाता नहीं है। फिर मेरी नजर पड़ी सामने खड़ी लियाना गाड़ी पे, और मैं ये सोच रहा था ये गाड़ी दिखने में तो इतनी खूबसूरत है, लेकिन ये गाड़ी बदनाम क्यों है? गाइस चाय हमने पी ली है और बाइक पे गए थे घूमने के लिए, वापस आ गए हैं, बारिश में बहुत एंजॉय किया। आज के ब्लॉग को यहीं खत्म कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब तो नाक से भी बारिश निकल रही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लाजमी सब्सक्राइब करना है भाई, मेहनत करना है, नहीं तो मेहनत करना छोड़ दूंगा। अपना ख्याल रखना, आई लव यू। लेकिन ऑडियंस को हमने कहा था कि हम लोग आज बारिश में नहाएंगे खूब, लेकिन बारिश उस हिसाब से नहीं हो रही, बारिश हो गई है हल्की, लेकिन कल जो बारिश होगी ना मैं उसमें खूब जम के नहाऊंगा। हारिस तू भी नहाएगा? अरे डन है, डन है भाई। सही है, बाकी जो है अब व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कर लो यार, अब तो बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, अब कर लो, क्योंकि 70% ऑडियंस
बिना सब्सक्राइब चैनल देख रही है, बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हैं आप लोग। अफसोस होता है और कुछ भी नहीं है। बोलते बोलते एक दिन चला जाऊँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आई लव यू, बाय बाय।